सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक खास किस्म के एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि खास पर्पस के लिए ही वह एंटीबायोटिक आपको पेशेंट को दिया जाता है, जिससे हो सकता है आप में से कई सारे फ्रेंड्स इसके मूल कंपोजिशन नेम इथामब्यूटॉल के नाम से जानते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इथामब्यूटॉल जो कि आपका एक एंटीबायोटिक्स है, जो कि आपको खास किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। यह जो इथामब्यूटॉल है, यह आपको मार्केट में 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम एवं 800 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। वैसे तो यह अपने मूल कॉम्पोजिशन एम इथामब्यूटॉल से फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। अगर हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका कॉम्ब्यूटॉल टेबलेट, माइकोब्यूटॉल टेबलेट, अलब्यूटॉल टेबलेट, ईब्यूटॉल टेबलेट एवं थेमीब्यूटॉल टेबलेट हैं। तो ये चार पांच कुछ आपके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो, क्योंकि जो दवा का ब्रांड नेम्स होता है वह एरिया टू एरिया एवं डॉक्टर्स के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सारे ब्रांड्स होंगे उनकी जो मूल कॉम्पोजिशन होगी वह आपको इथामब्यूटॉल ही होगा। तो वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि किस खास प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर द्वारा यह इथामब्यूटॉल टेबलेट आपका प्रयोग में दिया जाता है, साथ ही साथ किस डोज में पेशेंट को दिया जाता है और कितने लंबे समय तक लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हम वीडियो में सीखेंगे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में एवं कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में कि हमें क्या कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मैं हूं आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका इथामब्यूटॉल टेबलेट है वह आपका एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, और यह जो इथामब्यूटॉल है यह आपका एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर हम इसकी यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से, तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ प्रयोग आपको ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में ही दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनको टीबी की शिकायत हो गई हो, अगर हम टीबी के कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को तो खांसी चलती है, उसके अलावा व्यक्ति को बलगम के साथ आपको खून आ सकता है, मिड चेस्ट में पेन रहेगा, इसके अलावा व्यक्ति का वेट लॉस हो सकता है। तो ऐसे जब कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं और जब डायग्नोसिस में पता लगता है कि पर्संस को टीबी की शिकायत है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत है, तब डॉक्टर द्वारा वहां पे आपको इथामब्यूटॉल टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। टीबी के ट्रीटमेंट के अलावा डॉक्टर कई बार इस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग आपको यदि किसी और प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, और वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके लंग से ही रिलेटेड है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर न्यूमोनिया हो सकता है, तो अगर लंग से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, तब डॉक्टर वहां पर आपको इथामब्यूटॉल टेबलेट ही प्रयोग में देते हैं, और वहां पर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम इथामब्यूटॉल टेबलेट के डोज की बात करते हैं, तो इसका जो डोज होता है वह आपको मोस्टली 600 मिलीग्राम या फिर 800 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह एवं एक टेबलेट शाम प्रयोग में दिया जाता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है लेने की, वह आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होता है, या फिर इससे लंबे समय तक भी कई बार प्रयोग में दिया जाता है। वह आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशंस है वह कैसी है, बट अगर मैक्सिमम 3 मंथ तक दिया जाता है तो जो व्यक्ति को टीबी की शिकायत है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। इस इथामब्यूटॉल टेबलेट को आप हमेशा खाना खाने के बाद प्रयोग में ले एवं सेम टाइम पर ही हर दिन प्रयोग में ले, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। अब हम वीडियो में बढ़ लेते हैं दोस्तों इथामब्यूटॉल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर हम इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति को फीवर आ सकता है, इसके अलावा व्यक्ति कंफ्यूजन में रह सकता है, और व्यक्ति को कुछ स्किन रैशेज भी दिख सकते हैं, जिसमें ईचिंग, इरिटेशन एवं रेडनेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आपको रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, जिसमें व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है,
और व्यक्ति को विजुअल इंपेरिमेंट की समस्या हो सकती है, मतलब व्यक्ति को देखने में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देखने को मिले तो आप फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जो डॉक्टर है वो कोई अच्छी सी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इस इथाम्ब्यूटोल टेबलेट के सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। अगर हम इथाम्ब्यूटोल टेबलेट के सेफ्टी एडवाइस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि आप इथाम्ब्यूटोल टेबलेट का प्रयोग कभी भी ओटीसी के रूप में ना करें। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत हो रही है, चाहे वो टीबी की भी शिकायत हो रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को अपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जरूर बताएं ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा यदि आप इथाम्ब्यूटोल टेबलेट का प्रयोग प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कर रहे हैं तब भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही साथ यदि आपको किडनी, लीवर या फिर हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तब भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और इसके अलावा आप खास तौर पर यह ध्यान रखें कि आप कभी भी इथाम्ब्यूटोल टेबलेट का प्रयोग ओवरडोज प्रयोग में ना लें। जितनी मात्रा में आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और जितने दिनों के लिए किया है उतनी मात्रा में और उतने दिनों तक आप उस टेबलेट का प्रयोग करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इथाम्ब्यूटोल टेबलेट के बारे में, जो कि एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। उम्मीद करता हूं वीडियो में हमने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।